हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर। आज इस स्टॉक में हमें 51.65 रुपीज़ पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली और इसमें मामूली सी हमें गिरावट देखने को मिली 0.39% की। और लास्ट 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक में लगभग हमें यहाँ 7.6% के यहाँ से हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। आईपीओ भी हाल ही में आया था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से थे। यहाँ पे अगर रिवेन्यू की बात करी जाए तो September 2022 में 602 करोड़ का हमें रिवेन्यू देखने को मिला था और वहीं अभी आप रिसेंट के क्वार्टर में 756 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू देखा गया था। और वहीं आप देखिए तो प्रीवियस क्वार्टर में जहाँ 720 करोड़ का था तो वहाँ से हमें प्रीवियस क्वार्टर से भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ से देखने को मिलती है। प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक साल पहले 87 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता था और भी रिसेंट के क्वार्टर में 114 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो वहाँ पर 107 करोड़ का था। तो आप देखिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें 69.28% की होल्डिंग प्रमोटर्स की देखने को मिलती है। यहाँ पे 2.07% की हिस्सेदारी हमें FIIs की भी देखने को मिलती है। वहीं DIIs भी हमें यहाँ पे 12.99% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है और पब्लिक की हिस्सेदारी 15.67% की है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है इसमें हमें FIIs और DIIs दोनों ही यहाँ पे एंट्री करते हुए देखने को मिलते हैं और इसका IPO भी हाल ही में लिस्ट हुआ था। तो अगर यहाँ से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहाँ से हम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ट है इसका बहुत ही सिंपल है। हमें नीचे की साइड में सपोर्ट देखने को मिला था और इससे पहले यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो आप देखिए जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न में हमें अभी चलते हुए देखने को मिल रहा है। नीचे की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता है, यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था। तो अभी देखिए जो स्टॉक है वो लगभग यहाँ से सपोर्ट के पास में चल रहा है और ऊपर की साइड में हमें देखिए तो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पर यहाँ रेजिस्टेंस था। यहाँ से हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ही स्टॉक यहाँ से ऊपर निकला था। स्टॉक में हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला तो वापस से स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने आया। तो यहाँ से आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें जो स्टॉक में तेजी है वो तब बनेगी जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल आएगा। और ये लेवल क्या है? लेवल है दोस्तों 54 रुपीज़ का। तो स्टॉक में अगर 54 रुपीज़ का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद स्टॉक में हमें अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 54 रुपीज़ के लेवल निकलने के बाद स्टॉक में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसके बाद स्टॉक में 64 रुपीज़ का ऐसा लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और आप देखिए तो स्टॉक में एग्जैक्टली यही चाल हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है और अगर स्टॉक यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो स्टॉक वापस से सपोर्ट की तरफ आएगा। फिर बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ से आप ये 54 रुपीज़ का लेवल ऊपर निकले और सस्टेन करें, देन वहाँ से फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा रहेगा स्टॉक में। क्योंकि आप अभी देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला नहीं है। स्टॉक में अगर 54 रुपीज़ का लेवल निकलता है तो स्टॉक में हमें एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगा और स्टॉक वापस से हमें कि ऊपर की साइड के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो यहाँ से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे चार्ट है। होप कि इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कॉमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।